डी स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिसर्च पेपर ऑन नाइजीरियन इकोनॉमी एंड इन द सेम पैटर्न यू कैन डिजाइन द रिसर्च पेपर ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी यू कैन डिजाइन द रिसर्च पेपर लाइक एज वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रनफील्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल उसी मॉडल को आप पाकिस्तान पर अप्लाई कर सकते हैं uh, इसी तरह एक कोई भी फर्म है आपके एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल जोन में जितनी फर्म्स हैं आप उनका डेटा लें उनका इन्वेस्टमेंट लेवल डिफरेंट होगा प्रॉफिट रेट डिफरेंट होगा उनके एक्सपेंडिचर डिफरेंट हो गए उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन डिफरेंट होगी उनकी इन्वेस्टमेंट का पैटर्न डिफरेंट होगा बट देर आर सर्टन कॉमन फैक्टर्स लाइक कॉमन फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं कॉमन फैक्टर्स अबाउट द एजुकेशन लेवल ऑफ द एरिया अबाउट जिसको हम लिटरेसी रेट में भी ले सकते हैं जिसको हम सिंपली ह्यूमन कैपिटल भी कह सकते हैं बट ऑन द अदर हैंड देर आर सर्टन लाइक कॉमन फैक्टर दोज आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट सपोर्ट हो सकती है वेदर द स्टेट स्पोर्ट इज अवेलेबल और स्टेट स्पोर्ट इज नॉट अवेलेबल अगर अवेलेबल है वो सब के लिए कॉमन होगी अगर नहीं अवेलेबल तो सब के लिए अगेन कॉमन होगी किसी के पास भी स्पोर्ट अवेलेबल नहीं है देन ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इकोनॉमी की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है वेदर दे आर इन रिसेशन दे आर इन रिकवरी फेज दे आर इन बूम अगर बूम में है तो सबको उसका इम्पैक्ट नजर आएगा अगर रिसेशन में है तो एक इंडस्ट्री का स्लो डाउन होने से उसका दूसरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे का तीसरे पे पड़ेगा इवन uh, जो ग्लोबल क्राइसिस आते हैं लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोविड नाइनटीन जो है उसने किस तरह इकोनोमी को डैमेज किया किस तरह बिजनेस को डैमेज किया जिस तरह लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब किया तो आप अगर उसको देखते हैं तो दीज आर सम द कॉमन फैक्टर्स जो किसी भी फर्म का आप एनालिसिस करते हैं तो आपको वो कॉमन नजर आएंगे तो इसलिए जिस वक्त आप फर्म्स का डेटा लेते हैं आपको चांसेस होंगे कि आर फिर वो कितना कोरिलेट कर रहे हैं uh, आप उनके रिजल्ट को डिस्कस कर सकते हैं द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक यूनिट रूट ऑफ ऑल योर स्टडी वेरिएबल देन आप उस पर कोरिलेशन uh, की तरफ जा सकते हैं वट इज लाइक इंटेंसिटी ऑफ देर एसोसिएशन देन हम उसकी मल्टीकुलरिटी की तरफ जा सकते हैं देन उसको चेक करते हैं वेदर दरर्स आर सिग्निफिकेंटलीरिलेटेड नॉट सिग्निफिकेंटली कोरलेटेड एंड समाइम ऑन द बेस ऑफ थेरी इफ दे एर आर कोरिलेटेड देर इज द प्रॉबिलिटी कि आपका जो इम्पेरिकल रिजल्ट होंगे वो आपके थेरी के अकॉर्डिंग होंगे इसलिए आप लोगों ने देखना होगा कि वो रिजल्ट क्या है देन एट द एंड वट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ योर रिग्रैशन पॉजिटिव एसोसिएशन है नेगेटिव इफ इट्स पॉजिटिव आर नेगेटिव वेदर इट्स सिग्निफिकेंट आर इन सिग्निफिकेंट एंड इन सारी चीजों को आप उसमें डिस्कस करके अपने कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे